नमस्कार, स्वागत है आपका खास खबर डॉट कॉम पर और मैं हूँ पलक गुप्ता। आइए नजर डालते हैं राजस्थान की खास खबरों पर। पुलिस मुख्यालय के निर्देश, राज्य में विवाहित जोड़ों एवं क्लोज रिलेशनशिप में रह रहे युगलों की सुरक्षा के संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया निर्धारित। नोडल अधिकारी शिकायत पर तुरंत पीड़ित युगल को अंतरिम राहत प्रदान करेंगे। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने 5वीं स्वच्छ वायु दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित किया। सीएम बोले, आगामी वर्ष से पेश किया जाएगा राजस्थान का ग्रीन बजट। बड़े शहरों में शीघ्र ही संचालित की जाएगी 1000 इलेक्ट्रिक बसें। कन्हैयालाल हत्याकांड मामले का आरोपी जावेद हुआ रिहा। मुंह छुपाते हुए निकला जेल से बाहर। कोर्ट से 2 लाख रुपए की जमानत मुचलके और 1 लाख रुपए की राशि पर जमानत की मंजूरी मिली थी। राजस्थान के गणेश मंदिरों में लगी भक्तों की कतारें। चांदी के सिंहासन पर विराजे मोती डूंगरी गणेश, त्रिनेत्र गणेश की राह में उफान पर बनास। पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत बोले, दुनिया का सबसे बड़ा टूरिज्म मार्केट और डेस्टिनेशन बन रहा भारत। राजस्थान में भारी बारिश, बीसलपुर के 2 और गेट खोले। जयपुर में रुक रुक कर तेज बरसात, नदी नालों में उफान। अब तक 51% ज्यादा पानी बरसा। उदयपुर में स्वरूप सागर के बाद फतेह सागर के 4 गेट खोले। शहर की प्रमुख झील पिछोला के लबालब होने के बाद स्वरूप सागर के गेट खोले थे। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौर ने स्वास्थ्य भवन में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक की। कहा, प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ साकार करें आयुष्मान राजस्थान का संकल्प। कर्नल राज्यवर्धन राठौर ने गणेश चतुर्थी पर मोती डूंगरी गणेश मंदिर में पूजा अर्चना की। प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर जयपुर में मोती डूंगरी गणेश मंदिर में पूजा अर्चना की। भरतपुर में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेजम की जनसुनवाई। लोगों की समस्याओं के समाधान की दिशा में कदम। गणेश चतुर्थी पर राज्यपाल हरिभाव बागड़े ने मोती डूंगरी गणेश मंदिर में की पूजा अर्चना। भरतपुर में दबंग भूखंड पर कर रहे अवैध कब्जा। विरोध किया तो रास्ते में पीड़ित कांस्टेबल को घेर कर पीटा। दौसा में मूसलाधार बारिश से जलमग्न हुए रास्ते, बांध और तालाब लबालब। दौसा में ऑनलाइन गेम से 50 लाख का कर्जा होने के कारण खुद पर फायरिंग होने की झूठी कहानी रचकर गुमराह कर रहे व्यक्ति को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अजमेर में बारिश ने पशुपालक के सपनों पर फेरा पानी। 22 भेड़ों की दर्दनाक मौत। पक्की दीवार ढहने से हुआ हादसा। संसदीय कार्य, विधि एवं न्याय मंत्री जोगाराम पटेल ने जोधपुर में की जनसुनवाई। कहा, आमजन की समस्याओं को दूर करना राज्य सरकार की प्राथमिकता। सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज अस्थि रोग विभाग का 27 साल बाद स्नेह मिलन समारोह। वरिष्ठ चिकित्सकों के मिले गले, छलके आंसू। भरतपुर में बंद बारेठा बांध के 3 गेट खोले। बहाव क्षेत्र में आने वाले गांवों में अलर्ट। बसेड़ी रोड हुआ बंद। रोड पर 2 फुट चल रहा पानी। मेवात को अपराध मुक्त करने की पहल। गोष्ठी में समृद्ध भारत अभियान के निदेशक सीताराम गुप्ता ने कहा, युवकों से अपराध छुड़वाने के लिए सभी को करना होगा सहयोग। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी खबरें विस्तार से जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.khaskhabar.com पर लॉगिन करें और प्ले स्टोर से जाकर हमारा ऐप खास खबर को डाउनलोड करें। नमस्कार।